आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। ये यहां से गिर रहा है, कितना नीचे जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से उसके बारे में बात की जाएगी और क्या है इसके लिए सबसे अच्छी खबर, उसका विश्लेषण करते हैं। आइए चलकर खबर से ही शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, नीति आयोग ने सबमिट की है अपनी रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने दो पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकमेंड किया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। यहां पर इसको नए प्राइवेटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंगली इसमें कंट्रोलिंग स्टेक बनाएंगे और इसको नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक की तरह से बनाने का कोशिश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक पर। यहां पर हम सिर्फ विश्लेषण करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही एक्टिव वर्क चल रहा है इस सब के लिए। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब कुछ फंडामेंटल व्यू अगर देखा जाए तो देखिए, कोरोना की वजह से काफी इंपैक्ट आया था, बट अब वैक्सीन भी आ चुकी है, इसके साथ ही साथ में समझ आएंगे, वैक्सीन के साथ में आपकी एक्टिविटी भी इंप्रूव होने लगी है, लॉकडाउन खुलने लगा है दोबारा से सेकंड वेव के रेफरेंस में भी, और यहां पर मैक्रो कंडीशन थोड़ी सी पॉजिटिव आ रही है, तो जो हमारे हिसाब से इसको अच्छा लेके आएगा, Q1 प्लस का इंप्रूवमेंट, Q1 और Q2 में अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे इस स्टॉक में। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इस स्टॉक को खरीदने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा आपको, प्राइवेटाइजेशन होगा तो इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये अभी ओवरबोर्ड जोन में होने की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। आइए चलकर समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। देखिए, सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 24.50 रुपए का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहां पर। आरएसआई का लेवल 55 के आसपास है, कुछ और गिरा तो अंडर सेक्शन में आ जाएगा जहां से आप इसको खरीद सकते हैं। यहीं पर अगर एलिगेटर इंडिकेटर को देखें, उनके तरफ से यहां पर अभी बाय सिग्नल जनरेटेड है और 25 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, तो ये काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास आ गया है अपना। दो दिन की काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है, पर ये यहां से मैकडी ने अभी भी इसको बाय सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ ही साथ में अगर आप इसको देखें वोर्टेक्स, तो वोर्टेक्स के अकॉर्डिंगली इसका रेड जो है 0.85 था, पहले ये 0.65 के आसपास था, अभी 0.85 के आसपास आ गया है। अगर और ऊपर चला गया तो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, बट यहां से अभी फिलहाल इसको बाय सिग्नल ही इसने मेंटेन किया हुआ है। यहां पर भी देखिए, एलिगेटर इंडिकेटर के बाद अगर हम बात करें यहां पर बुलिंजर बैंड की, तो बैंड का डायरेक्शन तो है अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में, और यहां पर काफी नैरो हुआ था, यहां से काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया। देखिए अगर देखें तो 23 रुपए से ये 31 रुपए तक चला गया है, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न कह सकते हैं। अब ये रिट्रेस कर रहा है और इसका बुलिंजर बैंड का सबसे अच्छा सपोर्ट जो है 25.50 रुपए के आसपास है। यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर ऐड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको एक मल्टीबैगर की तरह से दे रहे हैं आपके लिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है ट्रेडिंग करते हुए, देखिए 81% का रिटर्न 2 महीने में, और आप चाहें तो हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। मेल ड्रॉप कीजिए, सारी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। चार जय हिंद जय भारत।